हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। कुछ टाइम से मैं एक अच्छा फाउंडेशन सर्च कर रही थी, बट यूजली जो फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो ज़्यादातर 500 से अबव की ही प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। बट पहले मैंने मेबलिन यूज़ किया था, उसकी कवरेज बहुत बहुत अच्छी रही है। बट रिसेंटली जब मैं सर्च कर रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े, तो आई थॉट वाई नॉट, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम था एज़ कम्पेयर टू अदर फाउंडेशंस, लैक्मे से या फिर आप मेबलिन लगा लें या अदर फाउंडेशंस लगा लें। तो आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ शॉट। मैंने ऑर्डर करके देखा और मैंने उसे कुछ टाइम से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस उस फाउंडेशन के साथ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो उसकी कवरेज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके की वो कवरेज देता है, क्या वो फुल कवरेज फाउंडेशन है या जितनी उसकी हाइप बनी हुई है एज़ कम्पेयर टू कि उसका प्राइस बहुत कम है बट उसके बावजूद वो एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप उसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज़ द फाउंडेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये मार्स का मैट मूज फाउंडेशन है और जो मैंने इसमें शेड मंगाया है वो 102 बीज है, एंड ये इस तरीके की बॉटल में आता है जो कि कांच की बॉटल है। तो ये मुझे थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग का इशू लगा, क्योंकि इसको बहुत ही आपको ट्रैवल फ्रेंडली करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे गिरी तो टूट सकती है। एंड उसके बाद जो है इसमें इन्होंने पीछे दिया हुआ कि ये किस तरीके से काम करता है, एंड उसके नीचे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। सो मैंने ये पिछले मंथ परचेज़ किया था, तो इसकी वजह से जो इसका कवर था एक पैकेजिंग में जो आया था वो मुझसे खो गई है, तो उस पैकेजिंग में इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट सबसे पहले हम इसकी कवरेज जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये क्लेम करता है इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन और ये कलर के साथ मैच करता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दाग है, ये यहाँ पे है, और ये नाक पे बहुत पुरानी झाई जो है, और एक ये जला हुआ निशान है। मुझे जो एक चीज़ लगती है कि मुझे थोड़ा ऐसा है कि शायद मैंने इसका जो शेड है वो एक शेड ज़्यादा मंगवा लिया है, मुझे 104 या 5 मंगवाना चाहिए था। बट जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे उनमें यही था कि 102 जो है वो फेयर टू मीडियम स्किन के लिए ठीक रहेगा। तो मेरी इंडियन स्किन टोन है, मेरी स्किन जो है वो मीडियम फेयर है, सो ब्रिटिश टाइप की है, तो मुझे शायद थोड़ा सा जो है वो एक शेड नीचे मंगाना चाहिए था। बट ये लगाने के बाद ऐसा क्लेम करता है कि ये आपका कलर ले लेता है, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं कि सबसे पहले तो आई गेस आपको बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है एज़ कम्पेयर टू अदर फाउंडेशंस, ये मुझे जो है वो ड्राई लगता है। तो अगर आपकी भी मेरी तरह ड्राई स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पहले स्किन को आपको मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। सो सी, इतना ज़्यादा इसको ब्लेंड करने के बाद भी ये स्किन पे थोड़ा सा वाइट है, ये मेरी स्किन नेचुरल स्किन है, और ये जो है ये इसने पूरे फेस को वाइट कर दिया है।
सो फाउंडेशन के बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा मेकअप भी कर लिया कि आपको ओवरऑल पता चले कि ये किस तरीके का लुक प्रोवाइड करता है. मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, मस्कारा, आई शेडो एंड लिपस्टिक. सो यू कैन सी दिस इज़ द कवरेज जो ये प्रोवाइड करता है. ये ज़्यादा मतलब फुल कवरेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ अगर आप दो या तीन लेयर्स लगाएंगे तो फुल कवरेज आपको प्रोवाइड कर देगा. बट आप देख सकते हैं ये मेरे जो दाग है ये है कि अभी दिख रहे हैं, ये जो झाई है ये भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, बट वही अगर आप थोड़ा दूर से देखें तो ये पूरा फुल कवरेज लगता है, ये पूरा फुल कवरेज जो है प्रोवाइड करता है. सेकेंड थिंग इज़ कि ये थोड़ा सा थिक है, तो आप अगर इसको अपने किसी क्रीम बेस में मिलाकर लगाना चाहें या फिर आप पहले अपनी पूरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा. उसके बाद जो थर्ड थिंग है, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ कि आप कौन सा कलर चूज़ कर रही हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़ के ले लिया था पर ये मेरे कलर के हिसाब से ये थोड़ा सा वाइट है, बट ये थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो के फिट हो जाता है. तो थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल आपकी स्किन के हिसाब से ही हो जाता है, बट उसके लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा. सो आई गेस कि अगर इसमें इन्होंने लिखा है कि फेयर टू मीडियम है तो आपको एक टोन नीचे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 102 बीज है और मेरी स्किन पे जो मेबलिन का बीज है वो बहुत अच्छा फिट बैठता है, पर इसका बीज जो है ये मेरी स्किन पे थोड़ा सा वाइट है. आप देख सकते हैं मेरी स्किन में इसको ढलने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल सेट होता है. सो आपको वो कलर जो है वो देखना पड़ेगा कि आप अपने आप कौन सा आप कलर जो है वो मंगवा रहे हैं इसका. सो नेक्स्ट बात करें कि ये कितनी देर तक आपकी स्किन पर रहता है या कितनी देर तक ठहरता है, तो उसके लिए तो 10 out of 10, क्योंकि ये बहुत टाइम तक कवरेज देता है. मैंने अपनी कज़न की शादी में इसको लगाया था, तो हम शायद शाम को 7-8 बजे रेडी हो गए थे एंड अगले दिन मॉर्निंग में जब तक उसकी डोली नहीं गई थी तब तक ये अच्छी कवरेज दे रहा था. तो कवरेज में ये 100 out of 100 है, बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है. टाइम के लिए मैं कह रही हूँ कि टाइम तक ये बहुत बहुत देर तक ये स्टे करता है. उसके बाद ये एक मैट फिनिशिंग है, तो आपको बार बार इसको डैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपने एक बार लगाया, सेट किया, आपने स्प्रे मारा अपने फेस पे और उसके बाद यू आर रेडी टू गो. आपको उसके बाद टचअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शादियों में यार ऐसा होता है कि आप कब टचअप करोगे या कब अपना वो ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर आप कब तक सेट करते रहोगे, बहुत सारे काम होते हैं. सो एक बार आपने लगा लिया उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको बार बार इसको डैप करना है या पसीना आएगा इस तरीके का. सो उसके लिए भी ये बहुत बहुत अच्छा है कि आपको इसको बार बार मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो उसके बाद एक क्वालिटी जो इसमें बहुत अच्छी है वो ये है कि ये एक मूज फाउंडेशन है, तो आपकी स्किन पे ये ज़्यादा हैवी नहीं लगता है. सो एक बार ये सेट हो गया तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार आपने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रखा है, या आप कुछ टाइम के बाद आपको फेस पे इरिटेशन नहीं होगी. एंड उसके बाद ये एक HD फाउंडेशन है, तो आप बहुत अच्छे अलग अलग लुक्स इसके साथ ट्राई कर सकते हो. एंड ये वाटरप्रूफ भी है, जो ये भी क्लेम करता है कि ये वाटरप्रूफ है. सो मे बी अगर आप पानी में हैं या फिर अगर आप बारिश वारिश में हैं तो भी ये जल्दी से नहीं जाता, और स्वेट प्रूफ भी है, तो आपको बहुत कम पसीना आता है जब आप इसको अप्लाई करते हैं. ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसी बॉटल में आता है. सो ये एक इशू है, क्योंकि टूटने का डर रह सकता है और आप इसको लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. उसके बाद यही है कि इसका शेड का इशू है कि कौन सा शेड लें वो समझ नहीं आता है. एंड उसके बाद इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी थोड़ी सी अजीब सी है, अच्छी फ्रेगनेंस नहीं है, क्योंकि आप देखें तो लैक्मे के शेड्स की जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है, बट इसकी फ्रेगनेंस मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है. एंड इट टेक टाइम टू ब्लेंड, इसको ब्लेंड करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. जब आप लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइट लगता है, तो इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर आप जल्दी कहीं निकलने वाले हैं तो आप इसको अवॉइड करके उसके बाद अगर आपके पास टाइम है 1-2 घंटा पूरा मेकअप सेटल होने में तो ही आप लगाएं इसको, नहीं तो आप दूसरे शेड्स के साथ या दूसरे ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं. सो अब बात करते हैं प्राइस की. तो इतनी सारी खूबियां और इतना अच्छा ये कवरेज देने के बाद जब हम प्राइस की बात करें तो ऐसा लगता है यार ये कम से कम 500-600 के बाद का प्रोडक्ट होगा, पर मुझे ये मिला है 296 रुपीज़ में. अभी मैंने रिसेंटली ही चेक किया है तो इसका प्राइस 310 रुपये है.
एंड 310 रुपीज़ में 60 ml की बॉटल आपको मिल रही है, बाकी जो है वो 30 ml में आते हैं इतने महंगे महंगे। तो ये पूरा 60 ml की बॉटल है वो भी 310 रुपीज़ में, एंड ये काम भी बहुत अच्छा करता है, आपको अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर अदर जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का वीडियो इसी पर था एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक तो प्लीज़ यार कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।